गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने हड़प्पा के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल और बनवाली। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक पढ़ते हैं अभिलेख और शिलालेख। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख क्या होता है और शिलालेख क्या होता है? अभिलेख होता है किसी कागज पर उत्कीर्ण लेख, किसी कागज पर उत्कीर्ण लेख, मतलब उत्कीर्ण का मतलब लिखा हुआ। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ। अभिलेख होते हैं किसी कागज पर लिखे हुए लेख। और शिलालेख होते हैं किसी पत्थर या शिला पर उत्कीर्ण लेख। अभिलेख होते हैं किसी कागज पर लिखे हुए लेख, और शिलालेख होते हैं किसी पत्थर या शिला पर लिखे हुए लेख। दोनों में अंतर है। ये क्यों छुपाए जाते थे? ताकि हम इनको क्या कर सके, पढ़ सके, समझ सके और इनका अनुसरण, इनका आचरण कर सके। अब बात आती है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था। सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये था मध्य एशिया में, मध्य एशिया, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा, यह विश्व का है, नहीं देता हूं। विश्व सबसे प्राचीन है मध्य एशिया में, बौद्ध कोई, बोधक कोई नाम अभिलेख और एक कम मिला था। बोधक कोई कम मिला था 1400 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह से पहले का समय। मध्य एशिया में बोधक कोई नाम का अभिलेख था, विश्व का पहला अभिलेख था। और बात करें जब भारत के पहले अभिलेख की, बात करें भारत के पहले अभिलेख की, भारत का अभिलेख, तो ये किसने छपाया था? अशोक ने। किसने छपाया था? अशोक ने। और कब छपाया अशोक ने? 30वीं शताब्दी में, 30वीं शताब्दी में छपाया। हम सब जानते हैं अशोक ने कलिंग युग के बाद बौद्ध धर्म बनाया था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के तहत 30वीं शताब्दी में क्या छुपाए थे? अभिलेख छुपाए थे। भारत का प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अशोक का अभिलेख है। कब छपा था? 30वीं शताब्दी में। इसी क्रम में हम बात करें शिलालेख की। शिलालेख श्रृंगी ऋषि ने सबसे पहला शिलालेख छुपाया था। श्रृंगी ऋषि सबसे पहला शिलालेख से लिखवाया था श्रृंगी ऋषि ने। कब लिखवाया? 1448 ईसा पूर्व में, 1448 ईसा पूर्व में, 1428 ईसा पूर्व में, 28 ईसा पूर्व में। और शिलालेख भारत की बात करें तो भारत में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद
शिलालेख लिखाने शुरू किए। शिलालेख लिखवाने का किए शुरू किए। एक बार रिपीट करता हूं, विलेख को शिलालेख। विलेख का होता है किसी कागज पर लिखे हुए लेख, किरण होता है लिखे हुए। शिलालेख का होता है किसी पत्थर या शिला पर लिखे हुए लेख। क्यों लिखा जाता है? ताकि हम इनको पढ़ सके, इनको अनुसरण कर सके। विश्व का सबसे प्राचीन विलेख कौन सा है? मध्य एशिया में बोडोस को यह विलेख है जो 1400 ईसा पूर्व में लिखवाया गया था। भारत का प्रथम विलेख कौन सा है? अशोक ने लिखवाया था 20वीं शताब्दी में। हम सब जानते हैं अशोक ने 261 ईसा पूर्व के अंदर कलिंग के युग के बाद क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। प्रथम शिलालेख श्रृंगी ऋषि ने लिखवाया था 1428 ईस्वी में। भारत का प्रथम शिलालेख अशोक ने लिखवाए थे बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक के गुरु का नाम क्या था? अशोक के गुरु जिन्होंने उसे बहुत धर्म में दीक्षित किया था या शिक्षा दी थी उनका नाम क्या था? निबोध। निबोध नाम भिक्षु और किस धर्म में शिक्षा दी थी? बौद्ध धर्म में। किस धर्म में शिक्षा दी थी? बौद्ध धर्म में। अशोक ने बौद्ध धर्म का अपनाया था 261 ईसा पूर्व किस युग के बाद? कलिंग के युग के बाद। थैंक यू। बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।